हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, एपिसोड 36, बच्चों की केयर। अब तक आपने सुना कि निया जब घर आती है तो कैलाश जी उससे सब कुछ पूछते हैं, तो निया उन्हें सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ था। तभी वह लोग टीवी पर न्यूज में देखते हैं कि सतीश मेहरा की कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद में जब अपने रूम में सोकर उठती है तो विनोद उसे फोन करके बार बार माफी मांगता है और सिद्धार्थ से बात करने के लिए कहता है क्योंकि सिद्धार्थ ने विनोद को धमकाया था। नेहा सिद्धार्थ को फोन करती है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। अब आगे, नेहा ने जैसे ही अपना फोन साइड रखा, उसके रूम का दरवाजा धीरे से खुला और आशिका ने अपना सर अंदर डालकर निया को देखा। जब आशिका ने देखा कि निया जाग चुकी है, उसने पूछा, मॉम आप उठ गए? हाँ मैं उठ चुकी हूँ, निया ने कहा। तो आशिका ने दरवाजा पूरा खोला और अंदर आ गई और जल्दी से जाकर बेड पर निया के पास बैठ गई और उसका हाथ देखते हुए पूछा, मॉम क्या अभी भी दुख रहा है? निया ने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं बच्चे बिल्कुल नहीं। आशिका ने कहा, मॉम आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, आपको पता है कल रात आपने यहाँ हम लोग कितना परेशान हो गए थे। ठीक है मैं अपना ध्यान रखूंगी। आशिका का इस तरह फिक्र करना निया को काफी अच्छा महसूस करवा रहा था। निया अक्सर बिजी रहती थी, उसे बहुत कम समय मिलता था अपने बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी उसके बच्चे उसके दिल के बहुत करीब है। तभी आशिका ने पूछा, क्या आपको भूख लगी है? निया ने कहा, हाँ थोड़ी। बहुत ठीक है, तो फिर मैं आपके लिए अच्छा सा खाना लेकर आती हूँ जो बड़े दादू ने आपके लिए बनवाया है। इतना कहकर आशिका बेड से उतरने लगती है, लेकिन वह बेड से उतरती उससे पहले ही आदेश रूम में खाना लेकर आ गया और उसने निया से कहा, मोम आपका खाना। आदेश के पीछे पीछे अथर्व भी आया जिसके हाथ में जूस का ग्लास था। अथर्व ने कहा, मोम देखिए मैं आपके लिए आपका फेवरेट फ्रूट जूस लाया हूँ। निया ने अपने तीनों बच्चों को देखा, उसके मन में सिर्फ यही सवाल आया कि उसने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए थे जो उसे तीन प्यारे बच्चे मिले। कोई भी इंसान इस सिचुएशन में होता तो जरूर इमोशनल फील करता और निया की आंखें भी थोड़ी नम हो गई थी। लेकिन फिर निया ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। खाना खाने के बाद निया थोड़ी देर के लिए आकर लिविंग रूम में सबके साथ बैठी थी और यहाँ भी तीनों बच्चे उसका बहुत ध्यान रख रहे थे। तीनों बच्चों में से किसी ने भी निया को चोट कैसे लगी यह नहीं पूछा था क्योंकि कैलाश जी ने उन्हें मना किया था। निया को आज एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर सिद्धार्थ को इनके बारे में पता चला और सिद्धार्थ इन तीनों बच्चों को उससे दूर ले गया तो क्या होगा। वह सिद्धार्थ के जिद्दी स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थी और उससे रहा नहीं गया और उसने आशिका से पूछ लिया, आशिका क्या तुम्हें डैडी चाहिए? निया का ये सवाल सुनते ही आशिका एक मिनट के लिए अपनी जगह पर जम गई, फिर उसने निया की तरफ देखते हुए पूछा, मोम क्या आप हमें हमारे डैडी से मिलाना चाहती हो? मैं बस सोच रही थी कि अगर तुम्हारे डैड कभी वापस आ गए और तुम तीनों को अपने साथ ले जाना चाहे तो तुम लोग क्या करोगे? इसके पहले कि आशिका निया के सवाल का कोई जवाब दे पाती, आदेश ने तुरंत कहा, मैं हमेशा वही रहूंगा जहां पर आप रहेंगी या फिर आप चाहेंगी। आदेश कभी भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता था, मगर निया जानती थी कि आदेश निया से बहुत प्यार करता है। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और आदेश के पास जाकर उसके सर पर प्यार से किस करते हुए बोली, मेरा प्यारा बच्चा, मामा लव्स यू। निया के इस तरह किस करने से आदेश का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया और आदेश को इस तरह शर्माते देख निया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी आशिका ने भी कहा, मैं भी मॉम, मुझे भी हमेशा आपके साथ ही रहना है, जहां आप रहोगे वहां मैं भी रहूंगी। कहते हुए आशिका निया के पास आ गई और उसकी तरफ देखने लगी। निया समझ गई कि आशिका भी चाहती है कि वह आदेश की तरह ही उसे प्यार करे, इसलिए उसने प्यार से उसके सर पर किस करके कहा, तुम बहुत प्यारी हो, मम्मा तुमसे भी बहुत प्यार करती है। अथर्व ने जब देखा कि उसके अलावा सबको अटेंशन मिल रही है तो वह भी निया के सामने आया और बोला, आप चिंता मत कीजिए मोम, अगर डैड कभी हमारे सामने आ भी गए और उन्होंने अपने ढेर सारे पैसों से हमें बहुत सारे खिलौने और भी बहुत कुछ देने की कोशिश की, फिर भी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं डैड की दी हुई कोई चीज नहीं लूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा। अथर्व की बात सुनकर निया मुस्कुराए और अथर्व के भी सर पर किस करते हुए कहा, आप भी बहुत प्यारे हो, मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, आप तीनों ही तो मेरी जान हो। फिर उसने अथर्व से पूछा, लेकिन एक बात बताओ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके डैड बहुत अमीर होंगे और वह आपको महंगी महंगी चीजें देकर अपने पास रहने के लिए कहेंगे? ये सुनकर अथर्व एक पल के लिए सकपका गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और तुरंत जवाब दिया, मोम मैं तो बस आपको एग्जाम्पल देखकर समझा रहा था कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। नेहा मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। कैलाश जी जो दूर से ये सब देख रहे थे, उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी क्योंकि निया अब फाइनली अपनी जिंदगी में खुश थी।
नेहा ने तो डिनर कर लिया था, इसलिए थोड़ी देर बाद सबने डिनर किया और अपने अपने रूम में सोने चले गए। घर की सारी लाइट्स ऑफ होने की तकरीबन आधे घंटे बाद अथर्व और आशिका धीरे धीरे आदेश के रूम में पहुंच गए। आदेश अपने रूम में कंप्यूटर के सामने बैठे कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहा था। अथर्व आदेश के एक साइड जाकर खड़ा हो गया और उसने कहा, अगर मॉम को इस बारे में पता चल गया ना तो हमारी शामत आ जाएगी। भाई, मॉम की इंजरी के पीछे जरूर कोई बड़ा रीजन है और मुझे सच्चाई जाननी है, आदेश ने कहा। तभी आशिका ने धीमी आवाज में कहा, मैं थोड़ी देर पहले मॉम के रूम में गई थी, वह सो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बारे में पता चलेगा। आदेश ने कुछ नहीं कहा और कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाना जारी रखा। थोड़ी ही देर के बाद आदेश ने कहा, मिल गया मुझे। आदेश की बात सुनते ही अथर्व और आशिका जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन देखी। कंप्यूटर स्क्रीन पर तीन छोटे वीडियो थे। आदेश ने एक के बाद एक वीडियो चलाना शुरू किया। पहला वीडियो उस 5-स्टार होटल के सामने का था। इसमें दिखा रहा था कि निया होटल के सामने टैक्सी से उतरी और कोई निया को लेकर होटल के अंदर गया। दूसरी वीडियो तब की थी जिसमें एक आदमी निया को एक रूम में लेकर जा रहा था। और थर्ड वीडियो में सिद्धार्थ दिखाई दे रहा था जो निया को उस रूम से बाहर लेकर आ रहा था और उस समय निया के हाथ में साफ चोट देखी जा सकती थी। कल रात बात करते वक्त निया ने गलती से तीनों बच्चों को उस 5-स्टार होटल का नाम बता दिया था जहां निया मीटिंग के लिए जाने वाली थी और आदेश ने उस होटल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके ये तीनों वीडियो निकाली थी। तीनों वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन एक के बाद एक वीडियो देखने के बाद ही अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि क्या हुआ होगा। ये सब देखने के बाद आदेश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई हमारी मॉम के साथ ऐसी हरकत करने की। तभी अथर्व ने भी गुस्से में कहा, भाई हम इस इंसान को ऐसे नहीं जाने दे सकते, इसे सजा मिलनी चाहिए। अथर्व की बात सुनकर आदेश अपने हाथ की बोर्ड की तरह को बढ़ाने लगा। तभी आशिका ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आशिका की बात सुनकर दोनों ने उसकी तरफ देखा तो आशिका ने कहा, मैंने न्यूज में देखा था, इस इंसान को ऑलरेडी पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। इसके बाद आशिका ने अपना फोन निकाला और सतीश की गिरफ्तारी की न्यूज उन दोनों को दिखा दी। सारी न्यूज देखने के बाद अथर्व ने पूछा, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? आदेश ने तुरंत कहा, नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि यह दे। इतना कहते हुए आशिका रुक गई क्योंकि उसे याद आया कि आदेश ने पिछली बार सिद्धार्थ को डैड कहने से मना किया था, जब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक। उसने अपनी बात संभालते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब मिस्टर हैंसम ने किया हो? लेकिन आदेश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह इस वीडियो में काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं मोम के लिए और काफी गुस्से में भी। तो ऐसा होना पॉसिबल है कि उन्होंने ही बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। और वैसे भी जो इंसान अरेस्ट हुआ है वह काफी बड़ी कंपनी का मालिक था, उसे 12 घंटे होने से पहले ही जेल पहुंचा देना कोई आम बात नहीं है। मुझे पक्का यकीन है उन्होंने ही यह सब किया है, अथर्व ने सब कुछ समझने के बाद कहा। तो आशिका ने भी सहमति में अपना सर हिला दिया और कहा, मुझे भी लगता है कि यह मिस्टर हैंसम ही है जिन्होंने ये सब किया है। आपको याद है कि उस दिन हॉस्पिटल में भी उन्होंने मेरी मदद की थी और भले ही वह हमको ना जानते हो लेकिन वह मॉम को तो जानते हैं और मॉम को मुसीबत में देखकर वह कैसे चुप रह सकते हैं। आदेश अभी भी चुप था और किसी गहरी सोच में गूम था। तभी अथर्व ने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने नोटिस किया कि थर्ड वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे आशिका के मिस्टर हैंसम ने किसी को मारा? अथर्व की बात सुनकर आशिका और आदेश भी कंप्यूटर की तरफ देखने लगे। पूरी वीडियो फिर से देखने के बाद उन्हें समझ में आया कि सिद्धार्थ ने सचमुच किसी को मारा। ये देखते ही आशिक ने खुशी से कहा, मिस्टर हैंसम जरूर इस इंसान को मारा होगा जो मोम को बुली कर रहा था। अथर्व ने भी कहा, हाँ मुझे भी ये लगता है। आदेश ने जब देखा कि उसके दोनों भाई बहन इस बात में कुछ ज्यादा ही उलझ गए हैं तो उसने कंप्यूटर ऑफ कर दिया और फिर कहा, ठीक है बहुत लेट हो गया है, जाओ सोने। आदेश के कहने पर वह दोनों अपने अपने कमरे में चले गए और उनके जाने के बाद आदेश भी सो गया। आज के लिए बस इतना ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 37, निया पहुंची सिद्धार्थ के ऑफिस। अब तक आपने सुना कि निया को चोट लगने पर बच्चे उसका बहुत ख्याल रखते हैं और वही आदेश सबके सो जाने के बाद उस होटल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके उसकी सीसीटीवी फुटेज निकाल लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि आखिर निया को कैसे चोट लगी थी। अब आगे दूसरी तरफ टीना अपने माता पिता के साथ पूरा दिन घूमने फिरने के बाद आखिरकार अपने घर लौट आई थी। वह लोग इस वक्त लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। तभी टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मोम आपको पता है जब मैंने सिद्धार्थ से कहा कि आप लोग आ रहे हैं तो उसने मुझे आराम से आप लोगों के साथ टाइम बिताने के लिए छुट्टी दे दी जबकि ऑफिस में बहुत काम था।
ये सुनकर वही बैठे टीना के पिता विनय आहूजा ने कहा, तुम्हें छुट्टी दे दी हमारे साथ वक्त बिताने के लिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसकी नजरों में हमारी इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं कि हमारे बुलाने पर एक बार खाने के लिए चला आता, वह बहुत बिजी था डैड, टीना ने बात संभालने के लिए कहा। लेकिन विनय जी ने फिर भी टीना की तरफ हल्की निराशा से देखते हुए कहा, क्या वह इतना बिजी था कि एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाया हमारे साथ। और टीना, इस बार मुझे साफ साफ जवाब चाहिए, या तो वह तुमसे शादी करेगा या फिर तुम हमारे साथ वापस चलोगी। ये सुनकर टीना ने अपना सर नीचे झुका लिया और चुप हो गई। टीना का झुका हुआ सर देखकर विनय जी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, एक बात ध्यान से सुन लो टीना, रिश्ते कोई मजाक नहीं होता। तुम इतने सालों से यह कह रही हो कि तुम्हें सिर्फ सिद्धार्थ पसंद है और तुम उसी से शादी करोगी, लेकिन उसका क्या, क्यों उसने ऐसा कुछ कहा नहीं ना, इसलिए अब अपनी जिद छोड़ दो और हमारे साथ वापस चलो। अपने पति को इतनी गुस्से में देखकर टीना की मॉम कामिनी आहूजा ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, ठीक है आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, पूरा दिन घूमने फिरने के बाद आप थक गए होंगे, जाए और जाकर आराम कीजिए। विनय जी अपनी पत्नी की बात मानकर अंदर चले गए। उनके जाने के बाद कामिनी ने टीना की तरफ देखा और पूछा, टीना बेटा, जो तुम्हारे देव ने कहा वह बिल्कुल ठीक था, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारे और सिद्धार्थ के बीच क्या चल रहा है, और मुझे सिर्फ सच सुनना है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद टीना ने कहा, वह मैंने सिद्धार्थ को अभी तक अपने मन की बात बताई नहीं, तुमने अब तक उससे बात नहीं की, मुझे नहीं मालूम कि कैसे बात की शुरुआत की जाए, मगर मुझे लगता है कि वह समझता है और जैसी मेरी फीलिंग्स है वैसे वह भी मेरे लिए फील करता है। कामिनी ने एक नज़र टीना को देखा और फिर कहा, तुमने सोचा है अगर उसके मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं हुई और उसने तुम्हारा प्यार ठुकरा दिया तो तुम क्या करोगी। कामिनी की बात सुनकर टीना ने कहा, उसे मुझे एक्सेप्ट करना होगा मोम, उसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं होगा, वह सिर्फ मेरा है। इस समय टीना किसी पागल साइको इंसान की तरह लग रही थी। उसे इस तरह देखकर कामिनी ने कहा, अगर तुम्हें सिद्धार्थ ही चाहिए तो ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी और मेरे पास एक आईडिया है। ये सुनते ही टीना की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी से कहा, क्या सचमुच मोम आपके पास आईडिया है। हाँ, पर कुछ नहीं मोम, बस आप मुझे बताओ मैं सब करूंगी। टीना की बात सुनकर कामिनी ने उसके कान में कुछ कहा और वही कामिनी की बात सुनकर टीना की आंखें बड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या ये काम करेगा। तो कामिनी है ने कहा, ये जरूर काम करेगा और उसके बाद सिद्धार्थ तुम्हारा होगा। तभी टीना को कुछ याद आया और उसने कहा, लेकिन मॉम इसमें एक प्रॉब्लम है। कामिनी, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। कामिनी के पूछने पर टीना ने निया और सिद्धार्थ के रिश्ते के बारे में और उनकी अब तक की सारी मुलाकातों के बारे में सब कुछ बता दिया। टीना की सारी बातें सुनने के बाद कामिनी इतना तो समझ गई थी कि सिद्धार्थ के मन में निया के लिए अभी भी फीलिंग है, इसलिए उसने कहा, टीना मुझे डर है कि वह लड़की तुम्हारी रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। टीना ने पूछा, लेकिन मॉम मैं अब क्या करूं। तो कामिनी ने कहा, तुम वही करो जो मैंने तुम्हें कहा था, उस लड़की को हम बाद में देख लेंगे। अभी वह लोग बातें कर ही रहे थे तभी विनय जी वापस आ गए। उन्होंने उन दोनों को देखा और फिर टीना से कहा, टीना बेटा सॉरी, मगर मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम सिद्धार्थ के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करो। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करता तो ठीक है, छोड़ दो उसे, इस दुनिया में और भी बहुत अच्छे लड़के हैं। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं डैड, मुझे पता है आप हमेशा मेरा भला चाहते हैं और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे अपने किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर टीना वहाँ से निकल गई और उसे जाता हुआ देखकर विनय जी ने एक गहरी सांस ली। वह बस अपनी बच्ची की खुशी चाहते थे, उन्हें सिद्धार्थ के पैसों से कोई मतलब नहीं था, वह चाहते थे कि बस टीना अपनी लाइफ में खुश रहे। ऐसे ही दो दिन निकल गए। दो दिनों तक अच्छे से आराम करने के बाद निया ऑफिस आई थी। जैसे ही साहिल ने निया को ऑफिस में देखा, उसने पूछा, निया तुम पिछले दो दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आई थी, हम सब ने तुम्हें मिलकर कितने कॉल किए और मैसेज किए, तुमने उनका भी रिप्लाई नहीं किया। निया ने कहा, मुझे कोई पर्सनल काम आ गया था इसलिए दो दिनों की अर्जेंट छुट्टी लेनी पड़ी। निया अभी बोल ही रही थी तभी साहिल की नज़र निया के हाथ पर पड़ गई जिसमें अभी मैं बैंडेज था। उसने पूछा, निया तुम्हें चोट लगी है, ये कैसे हुआ, क्या ये सीरियस है और तुमने हम सबको बताया क्यों नहीं, हम सब तुमसे मिलने आते और क्या तुम इसी वजह से हम सबका फोन नहीं उठा रही थी। एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर निया ने साहिल को शांत कराते हुए और अपने हाथ को दिखाते हुए कहा, ये बस एक छोटी सी इंजरी है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। तब तक वहां प्रिया और रोहित भी आ गए थे। उन्होंने जब निया को देखा तो रोहित ने कहा, मिस सिंह हमने सुना कि आप मेहरा कॉर्पोरेशन के साथ बिल फाइनल करने के लिए गई थी। निया ने बस हां में सर हिला दिया।
तो प्रिया ने कहा, अच्छा हुआ कि आप ठीक हैं। मैंने सुना है कि मेहरा कॉरपोरेशन का सीईओ सतीश मेहरा बहुत ही बुरा इंसान है। आज तक बहुत लड़कियों के साथ उसने गलत कर चुका है। मैंने जब सुना कि आप उसके साथ डील करने गई थी तो मैं डर ही गई थी। तभी रोहित ने कहा, हम आपको 2 दिन से कॉल कर रहे थे, आप 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी और दूसरी तरफ विनोद सर भी 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे थे। हम तो टेंशन में आ गए थे कि एक साथ आप दोनों ने ऑफिस आना क्यों बंद कर दिया। रोहित की बात सुनते ही निया को विनोद का फोन कॉल याद आया। उसे याद आया कि उसे सिद्धार्थ से बात करनी थी, लेकिन अगले दिन भी सिद्धार्थ का फोन नहीं लगा और उसके बाद निया वह बात भूल गई थी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने केबिन की तरफ निकल गई। मुझे एक जरूरी फोन कॉल करना है, निया ये कहकर अपने केबिन में चली गई। निया के जाने के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए और अपने केबिन में आने के बाद निया ने सिद्धार्थ को फोन किया। 2 दिन के बाद ही सिद्धार्थ ने कॉल पिक कर लिया और कहा, हेलो, यह मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम हो। निया एक मिनट के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सिद्धार्थ से इस मामले में कैसे बात करें। वह जैसे ही कुछ कहने वाली थी, सिद्धार्थ ने पूछा, क्या कोई बात है? वह बात यह है कि इसके आगे निया कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने कहा, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो ऑफिस आ जाओ। क्या? और मैं विक्रम को नीचे भेज दूंगा, वह तुम्हें रिसीव कर लेगा, बाय। इतना कहकर सिद्धार्थ ने फोन कट कर दिया। उसने निया को मना करने का एक चांस भी नहीं दिया। निया सिद्धार्थ से मिलने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ बात विनोद की नौकरी और उसकी पूरी जिंदगी की थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से विनोद मुसीबत में फंसे या फिर उसके साथ कुछ बुरा हो, इसलिए वह ओबेरॉय कॉरपोरेशन के लिए निकल गई। तकरीबन 45 मिनट बाद निया ओबेरॉय कॉरपोरेशन पहुंच गई। उसे मेन एंट्रेंस पर ही विक्रम मिलता है और जैसे ही विक्रम ने निया को देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, जैसे वह निया को देखकर बहुत खुश था। उसने खुशी से कहा, मिस सिंह, सर ने मुझे आपका इंतजार करने के लिए कहा था। निया ने कहा, थैंक यू विक्रम। नहीं नहीं, ये तो मेरा काम है, आप चलिए मेरे साथ। और इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। निया भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट के अंदर चली आई। अंदर विक्रम ने पूछा, अब आपका हाथ कैसा है? क्या वह ठीक है पहले से? अब पहले से काफी बेहतर है। तभी विक्रम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, मिस सिंह, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी जरूर पूछिए, निया ने कहा। विक्रम अटकते हुए पूछा, क्या आप सचमुच सर की एक्स वाइफ है? ये सुनकर निया ने बस हमें सर हिला दिया और विक्रम को पूरा यकीन हो गया था। उसने मन ही मन सोचा कि क्या उसने नहीं सुना था कि सर की एक्स वाइफ बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी और वह बहुत ही बदसूरत दिखती थी और पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मिस सिंह तो उनसे बिल्कुल अपोजिट है, इतनी सुंदर है और इतनी पढ़ी लिखी। वह जैसे जैसे सोच रहा था वैसे वैसे उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। निया ने जब विक्रम के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन देखे तो उसने पूछा, क्या कोई बात है? तो विक्रम ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि जैसा मैंने आपके बारे में सुना था आप बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। निया ने पूछा, और ऐसा क्या सुना था आपने मेरे बारे में? विक्रम ने कहा, मैंने सुना था कि आप बिल्कुल सुंदर नहीं है, बहुत बदसूरत है, पढ़ी लिखी नहीं है और किसी से अच्छे से बात भी नहीं करती है। क्या सिद्धार्थ ने ऐसा कहा था मेरे बारे में? निया ने विक्रम से पूछा तो विक्रम को एहसास हुआ कि उसकी जबान फिर गलत जगह फिसल गई, इसलिए उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं सर ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, वह तो कुछ पुराने एम्प्लॉय थे जो आपके बारे में ऐसा कहते थे। ये सुनकर निया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जब विक्रम ने देखा कि निया कुछ नहीं कह रही तो उसने एक बार फिर कहा, मिस सिंह, मैं सच कह रहा हूँ, सर ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, अगर उन्हें पता चला कि मैंने ये सब कहा है तो वह पक्का मुझे मार डालेंगे। निया ने मुस्कुरा कर कहा, जाने दीजिए, और वैसे भी यह सब सच है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है। निया की बात सुनकर विक्रम हैरानी से उसे देखने लगा। उसे तो लगा था कि अपने बारे में ऐसी अफवाह सुनकर निया गुस्सा होगी, लेकिन वह तो ऐसे दिखा रही है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो लोग पहुंच गए थे। विक्रम सिद्धार्थ के केबिन की तरफ जाने लगा और निया के पीछे पीछे सिद्धार्थ के केबिन के पास पहुंचकर विक्रम ने कहा, सर इस वक्त मीटिंग में है, तकरीबन 15 मिनट और लगेंगे उनकी मीटिंग में, आप तब तक ऑफिस में उनका इंतजार कर लीजिए। निया ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर ही इंतजार कर लेती हूँ। लेकिन विक्रम इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही निया ने कहा, आप प्लीज मेरे लिए एक कप कॉफी ले आइए। विक्रम निया की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने किसी को कॉफी लाने के लिए कहा और खुद सिद्धार्थ को मैसेज करके सब बता दिया। तो सिद्धार्थ का रिप्लाई आया, ठीक है, उसे जहां मन वहां बैठने दो। थोड़ी देर में कॉफी आ गई। कॉफी निया को देने के बाद विक्रम ने कहा, ठीक है मिस सिंह, तो मैं अब चलता हूं, मुझे काम है, अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बेझिझक बोल सकती हैं। निया मुस्कुराए और अपना सर हिला दिया।
तभी विक्रम ने थोड़ा हिचकी जाते हुए कहा, मिस सिंह मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब बात सर ने आपके बारे में नहीं कही थी। विक्रम अभी भी इस बात को लेकर परेशान था। नेहा ने धीरे से कहा, आप परेशान मत होइए, हमारे बीच जो बात हुई है वो हमारे बीच रहेगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। नेहा की बात सुनकर विक्रम ने एक राहत की सांस ली और नेहा को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला गया। विक्रम के चले जाने के बाद नेहा ने वही रखी एक मैगजीन उठा ली और कॉफी पीते हुए वह मैगजीन पढ़ने लगी। नेहा ने अपनी कॉफी खत्म की ही थी तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई, नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा ने सर उठाकर सामने देखा तो वहाँ पर टीना और उसकी मॉम कामिनी खड़ी थी। नेहा ने टीना की मॉम को नहीं पहचाना लेकिन उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। तभी टीना ने कहा, अगर तुम्हें कोई काम था तो प्रोजेक्ट ही है मैं हूँ, तुम्हें मुझसे आकर मिलना चाहिए था या फिर मैसेज करके कॉन्टेक्ट करना चाहिए था। नेहा ने शांति से कहा, मैं यहाँ बिजनेस के काम से नहीं आई हूँ, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी थी मिस्टर ओबेरॉय से। ये सुनते ही टीना की आंखों में गुस्सा आ गया। कामनी जो वही खड़ी थी उसने टीना से पूछा, टीना ये कौन है? ये सिद्धार्थ की। इसके आगे टीना कुछ कहती उससे पहले ही उसे समझ आ गया कि यहाँ बहुत सारे लोग थे जो निया और सिद्धार्थ की सच्चाई नहीं जानते थे, इसलिए उसने अपनी बात बदलते हुए कहा, ये AAA कंपनी के साथ जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी इंचार्ज है निया। निया ये नाम कामिनी को बहुत अच्छे से याद था और वह समझ गई कि सामने बैठी लड़की सिद्धार्थ की एक्स वाइफ है। आज के लिए बस इतना ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 38, साथ में लंच। अब तक आपने सुना कि निया 2 दिन तक घर पर आराम करने के बाद वापस ऑफिस जाती है, जहां उसे याद आता है कि उसे विनोद के बारे में सिद्धार्थ से बात करनी थी, जिसके लिए वह सिद्धार्थ को फोन करती है। लेकिन सिद्धार्थ उसकी बिना कोई बात सुने उसे अपने ऑफिस आने के लिए बोलकर फोन कट कर देता है। तो निया मजबूरन सिद्धार्थ के ऑफिस जाती है जहां वह सिद्धार्थ का इंतजार कर रही थी। तभी वहां टीना और उसकी मामा जाती है। अब आगे कामिनी को मालूम चल गया था कि सामने बैठी लड़की सिद्धार्थ की एक्स वाइफ है, इसलिए उसने थोड़े एटीट्यूड से कहा, हेलो मिस सिंह। निया ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर कहा, हेलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इसलिए मेरे साथ आओ, कामिनी ने लगभग निया को ऑर्डर देते हुए कहा। निया ने एक नज़र कामिनी को दिखा और फिर कहा, मैं आपको नहीं जानती इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें बात करने की जरूरत है, आई एम सॉरी। निया ने अंदाजा लगा लिया था कि सामने खड़ी औरत जरूर टीना की माँ है और वह भी टीना की ही तरह उसे सिद्धार्थ से दूर रहने के लिए कहेंगी और अलग अलग बातें बताकर उसे धमकाने की कोशिश करेगी और उसे इन सब में अपना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं था। लेकिन निया के इस तरह साफ मना करने से टीना को गुस्सा आ गया। उसने चिल्ला कर कहा, तुम इस तरह मेरी मॉम से बात नहीं कर सकती निया, वह सिर्फ तुमसे थोड़ी सी बात करना चाहती थी लेकिन तुमने इतने एटीट्यूड से मना कर दिया, किस बात का एटीट्यूड है तुमने? निया ने शांति से टीना की तरफ देखा और कहा, तो तुम क्या कहना चाहती हो? कि जब भी तुम्हें या तुमसे रिलेटेड किसी भी इंसान को मुझसे बात करनी है तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, इसका भी हक नहीं है मुझे। तुम इसके आगे टीना कुछ कहती उससे पहले ही कामिनी ने टीना को पीछे खींच लिया और एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें बात नहीं करनी तो वह यहाँ तमाशा नहीं करना चाहती थी। इसके पहले कि टीना कुछ कहती सिद्धार्थ मीटिंग रूम से बाहर आया। उसे पहले से ही पता था कि निया बाहर वेट कर रही है इसलिए वह डायरेक्ट वही आया। सिद्धार्थ को देखते ही टीना ने खुद का गुस्सा शांत कर लिया और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आई। सिद्धार्थ ने टीना को देखकर पूछा, टीना तुम तो छुट्टी पर थी फिर ऑफिस में कैसे? टीना ने कहा, वो मुझे कुछ काम था इसलिए मैं आ गई। बात सिद्धार्थ भले ही टीना से कर रहा था लेकिन उसकी नज़र लगातार निया पर थी। टीना ने सिद्धार्थ को अपनी मॉम से मिलवाया तो कामिनी ने मुस्कुरा कर कहा, हेलो मिस्टर ओबेरॉय, बहुत वक्त बाद आपसे मिलना हुआ। सिद्धार्थ ने भी मुस्कुरा कर कहा, हेलो बिल्कुल बहुत वक्त हो गया, यहाँ आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तब सिद्धार्थ ने कहा, मैं आप लोगों को ट्रिक देना चाहता था मगर मेरे पास बहुत काम है और मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा है, अगर आप लोग कुछ दिन और रुकने वाले हैं तो मैं पक्का आप लोगों को लंच पर ले चलूंगा। किसी और दिन क्यों, हम आज ही लंच पर चल सकते हैं, कमीनी ने कहा। ये सुनते ही सिद्धार्थ ने डायरेक्ट निया को देखा तो कमीनी ने कहा, मिस सिंह भी हमारे साथ चल सकती है। इसके पहले कि कोई कुछ कहता निया ने तुरंत मना करते हुए कहा, नो थैंक्स, मैं नहीं चल सकती, मेरे पास बहुत काम है, मुझे अपने ऑफिस वापस जाना है। उसके बाद उसने सिद्धार्थ को देखा और फिर कहा, मिस्टर ओबेरॉय अब जबकि आप बहुत बिजी हैं तो इस बारे में बाद में बात करते हैं। इतना कहकर निया वहां से जाने लगी।
पता नहीं क्यों मगर निया को जाता हुआ देखकर सिद्धार्थ को बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर अभी उसने निया को जाने दिया तो वह फिर से 6 साल पहले की तरह कहीं गायब हो जाएगी और वह उससे कभी नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता है कि मैं आज आप लोगों के साथ लंच पर नहीं चल पाऊंगा। सॉरी मिसेज आहूजा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पक्का लंच के लिए ज्वाइन कर लूंगा। इतना कहकर सिद्धार्थ बिना उनकी कोई भी बात सुने निया के पीछे चला गया। टीना ने पीछे से सिद्धार्थ को आवाज दी थी लेकिन सिद्धार्थ ने मुड़कर भी नहीं देखा। कामिनी ने टीना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, टीना कुछ भी हो जाए अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, अपने इमोशंस चेहरे पर मत आने दो वरना लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। टीना ने कहा, लेकिन मॉम मुझे लग रहा है कि मैं सिद्धार्थ को खो दूंगी, वह मुझसे दूर होता जा रहा है। कामिनी ने कहा, तुम भूल गई मैंने तुमसे क्या कहा था। जो मैंने कहा था सिर्फ उसी बात को ध्यान रखो, सिद्धार्थ तुम्हारा ही होगा। अपनी मॉम की बात सुनते ही टीना को उनका आइडिया याद आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी कामिनी ने फिर कहा, लेकिन यह निया कोई मामूली लड़की नहीं है, तुम्हें इससे संभल कर रहना होगा। टीना ने बस हमें अपना सर हिला दिया। वही निया जैसे ही लिफ्ट में पहुंचकर नीचे जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाने वाली थी, सिद्धार्थ भी लिफ्ट में आ गया और उसने निया का हाथ पकड़ लिया। निया ने सिद्धार्थ को हैरानी से देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। निया ने सिद्धार्थ को देखा और कहा, तुम इतनी जल्दी में यहाँ आए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोगों के मन में गलतफहमी पैदा कर रहे हो। सिद्धार्थ को निया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसने निया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। निया ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो सिद्धार्थ ने जवाब दिया, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, तो हम वहाँ बात करेंगे जहाँ आसपास कोई ना हो। निया ये सुनकर स्पीचलेस हो गई। तभी निया ने अपने मन ही मन कहा, मुझे इस इंसान से किसी सीरियस मामले पर बात करनी है, लेकिन यह ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे मैं इसे प्रपोज करने वाली हूँ। ये सोचते ही निया ने अपना हाथ खींचकर सिद्धार्थ के हाथ से छुड़ा लिया और कहा, मुझे तुमसे एक सिंपल सी बात करनी है और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, उसके लिए अकेले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ मुड़ा और निया की आंखों में देखते हुए बोला, ठीक है बोलो। निया ने सीधे ही सवाल किया, सतीश मेहरा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ वह मैं ही हूँ जिसने ये सब किया है। कुछ सेकंड के लिए तो निया को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे, फिर उसने कहा, और मिस्टर विनोद के साथ। हाँ वह भी मैंने ही किया है, निया की बात खत्म होने से पहले ही सिद्धार्थ ने मान लिया। क्या तुम्हें और भी कुछ पूछना है। निया सिद्धार्थ को देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। फिर उसने उसके दिमाग में चल रहा सवाल पूछा, लेकिन क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा। सिद्धार्थ ने कहा और एक कदम आगे आकर निया के एकदम नजदीक खड़ा हो गया। ये वह फ्लो था जहाँ पर सिर्फ सिद्धार्थ और विक्रम की कैबिन ही था, इसलिए पूरा फ्लो अक्सर खाली ही रहता था। निया ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुमने ये क्यों किया है, लेकिन उस दिन भी तुमने मेरी मदद की थी और अब उस सतीश मेहरा को भी सबक सिखाया, इसलिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तो सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कान के साथ पूछा, ओह तो तुम मेरी एहसानमंद हो, तो तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगी और मेरी इस मदद के लिए थैंक यू कैसे कहोगी। निया ने कहा, जैसे तुम चाहो। ठीक है फिर, जब तुमने कह दिया है कि तुम मेरी कोई भी बात मानोगी मेरा एहसान चुकाने के लिए, तो मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा, बस तुम अपनी बात याद रखना। इतना कहकर सिद्धार्थ पीछे हट गया, वह जानता था कि उसे कब रुकना है। सिद्धार्थ के पीछे हटने से निया ने एक राहत की सांस ली और कहा, मैं यहाँ तुमसे जिस बारे में बात करने आई थी वह मिस्टर विनोद के बारे में है, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन निया की यह बात सिद्धार्थ को अच्छी नहीं लगी, उसने हल्के गुस्से में कहा, इसमें उसकी गलती थी, सतीश मेहरा के कैरेक्टर के बारे में जानते हुए भी उसने तुम्हें मीटिंग के लिए भेजा, वह चाहता तो किसी और को भी भेज सकता था, अगर वह तुम्हें उस मीटिंग में नहीं भेजता तो तुम उस सिचुएशन में फंसती ही नहीं। सिद्धार्थ को अभी भी जब वह बात याद आती तो उसका गुस्सा बढ़ने लगता था, वह सोच भी नहीं सकता था कि अगर वह उस दिन टाइम पर नहीं पहुंचता तो हालात कितने बुरे हो सकते थे। यह एक लास्ट मिनट फैसला था और वह मीटिंग में ही अच्छे से हैंडल कर सकती थी, और वैसे भी वह मीटिंग दोपहर के समय थी जिसे लास्ट मिनट पर सतीश मेहरा ने रात के वक्त पर दिया, जिसके बारे में मिस्टर विनोद को कोई जानकारी नहीं थी। मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ AAA कंपनी ज्वाइन किए हुए, लेकिन मैं इतना तो जानती हूँ कि वह किस तरह के इंसान है, वह हमेशा ही मेरा भला ही चाहते हैं, ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे वह मेरे बारे में कुछ बुरा सोचे या फिर जानबूझकर मुझे किसी मुसीबत में फंसाए। निया के मुंह से किसी और आदमी की तारीफ सुनकर सिद्धार्थ हो जलन होने लगी, उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, उसने पूछा, तो मैं क्या करूं।
नेहा ने कहा, अब जबकि तुम्हें पता है कि मिस्टर विनोद की कोई गलती नहीं थी तो प्लीज तुम उन्हें छोड़ दो और परेशान मत करो। ठीक है, अगर तुम ऐसे ही चाहती हो तो। सिद्धार्थ तुरंत ही मान गया। सिद्धार्थ के तुरंत मान जाने पर निया को थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन वह खुश थी कि उसका काम हो गया, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मुझे यही बात तुमसे करनी थी, अब जब तुम मान गए तो मैं चलती हूँ। इसके पहले कि निया वहाँ से जाती, सिद्धार्थ ने कहा, दोपहर हो ही चुकी है, क्यों ना हम साथ में लंच कर ले, यहाँ पर नजदीक में ही एक अच्छा रेस्टोरेंट है। नहीं, उसकी कोई जरूरत। इसके पहले कि निया आगे कुछ कहती, सिद्धार्थ ने कहा, तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो, तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम मुझे लंच कराकर थैंक्स कह सकती हो। निया ने पूछा, क्या यह इतना आसान है? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ बिल्कुल। अब निया चाह कर भी मना नहीं कर सकती थी। जब सिद्धार्थ ने बिना किसी बहस की उसकी बात एक बार में ही मान ली तो वह सिद्धार्थ को लंच तो करा ही सकती थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है फिर। ये सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और वो निया के साथ रेस्टोरेंट के लिए निकल गया। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह कितने अच्छे मूड में है। थोड़ी देर में वो रेस्टोरेंट पहुंच गए। रेस्टोरेंट में पहुंचकर वो साइड में एक टेबल पर बैठ गए और उसके बाद सिद्धार्थ ने निया से पूछा, क्या खाना चाहोगी? निया ने कहा, मैं खाने के मामले में चूची बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे कुछ भी चलेगा। जब सिद्धार्थ वेटर को ऑर्डर देने वाला था तभी उसे एहसास हुआ कि वह निया के पसंद का खाना तक नहीं जानता। उसने वेटर से उस रेस्टोरेंट की दो फेमस चीज लाने के लिए कहा और उसके बाद वापस निया की तरफ देखने लगा। तभी सिद्धार्थ के दिमाग में ख्याल आया कि आज पहली बार वह दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, वरना आज से पहले उन्होंने कभी साथ में खाना नहीं खाया था। इन सब बातों से अपना ध्यान हटाने के लिए सिद्धार्थ ने निया से पूछा, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? क्या तुमने फिर से उसके बैंडेज करवाई थी? निया ने अपना हाथ देखा और फिर कहा, हाँ, ये लगभग ठीक हो चुका है। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, खाना खाने के बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। सिद्धार्थ की ऐसी बातों से निया को अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने सिद्धार्थ को देखते हुए पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ये सब करने से टीना तुमसे गुस्सा हो जाएगी? टीना की नजरों में मैं तुम्हारी एक एक्स वाइफ हूँ और यह टाइटल ही काफी है सबको ये बताने के लिए कि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए हम दोनों की ही जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यही अच्छा रहेगा कि हम दोनों दूर रहे और एक दूसरे से जितना कम हो सके उतना कम मिले। निया की बात सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा काला पड़ गया। उसने थोड़े गुस्से में पूछा, तुम इतनी उतावली क्यों हो हमारे बीच सारे रिश्ते खत्म करने के लिए? रिश्ते? कौन सा रिश्ता? हमारे सारे रिश्ते 6 साल पहले ही खत्म हो गए थे, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा, हम अब अजनबी हैं। निया के इस बात पर सिद्धार्थ चुप हो गया। निया के शब्द उसे तीर की तरह चुभ रहे थे। सिद्धार्थ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ, निया ने कहा। और वो तुम कैसे करोगी? सिद्धार्थ ने पूछा तो निया ने कहा, वह मेरा मामला है, वह सब मैं देख लूंगी, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम क्या है अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो? निया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, देखो सिद्धार्थ, अगर मेरा और तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ होता और मैं और तुम साथ होते, तो अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की आती और तुम मुझसे ज्यादा उसे इम्पोर्टेंस देते तो मुझे बुरा लगता, बहुत बुरा लगता। भले ही मैं टीना को पसंद नहीं करती, लेकिन अब वह तुम्हारी जिंदगी में है और मैं तुम दोनों की जिंदगी में दूसरी औरत नहीं बनना चाहती जो लोगों का घर तोड़ती है। सिद्धार्थ समझ गया था कि निया को अभी भी लगता है कि उसकी और टीना की सगाई हुई है, लेकिन निया की बातें सिद्धार्थ को अच्छी नहीं लग रही थी, फिर भी वह चुप रहा। तभी निया ने फिर कहा, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ जो भी कुछ होगा वह मैं खुद संभाल लूंगी। लगातार एक मिनट तक निया को देखने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, चिंता मत करो, तुम दूसरी औरत कभी नहीं बनोगी जो लोगों का घर तोड़ती है। तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ नहीं, सिद्धार्थ ने तुरंत मना कर दिया। ठीक उसी समय वेटर उन दोनों का खाना लेकर आ गया। सिद्धार्थ बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए वह अपना सर झुकाकर खाना खाने लगा। उसके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन अभी भी देखे जा सकते थे। निया 2 मिनट तक सिद्धार्थ को देखते रही, लेकिन जब उसने देखा कि सिद्धार्थ का बात करने का कोई मूड नहीं तो वह भी चुपचाप अपना खाना खाने लगी। उसके हिसाब से उसने सब कुछ क्लियर कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 39 दोबारा शादी। अब तक आपने सुना कि निया सिद्धार्थ से विनोद के बारे में बात करती है और सिद्धार्थ एक बार में ही उसकी बात मान जाता है और उसके बाद उसे थैंक यू के तौर पर लंच करने के लिए कहता है, जिसे निया मान जाती है, और दोनों पास के ही एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाते हैं, जहां निया की बातों से सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आता है। अब आगे
सिद्धार्थ खाना खा रहा था लेकिन नेहा की चुप्पी उसका गुस्सा बढ़ा रही थी। 2 मिनट के बाद ही सिद्धार्थ ने अपने गुस्से पर से कंट्रोल खो दिया और गुस्से में घूरते हुए नेहा से कहा, तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहा हूँ और तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक है, आज के बाद नहीं आऊँगा तुम्हारे सामने और ना ही तुम्हें तंग करूँगा। इतना कहकर सिद्धार्थ खड़ा हुआ और बिना नेहा को कुछ बोलने का मौका दिए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। नेहा स्पीचलेस हो गई थी। उसने मन ही मन सोचा, मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं था, यह आदमी कुछ ज्यादा ही सोचता है। उसने देखा तो सिद्धार्थ ऑलरेडी रेस्टोरेंट से बाहर निकल चुका था, इसलिए उसने सिद्धार्थ के पीछे जाने का ख्याल छोड़ा और अपना ध्यान अपने सामने रखे खाने पर लगाया। वह कुछ भी छोड़ सकती थी मगर इतना अच्छा खाना वेस्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए वह दोबारा खाने लगी। वही जब सिद्धार्थ रेस्टोरेंट से बाहर आया तो उसने मुड़कर ग्लास वॉल के पीछे से नेहा को देखा तो नेहा अभी भी शांति से बैठकर अपना खाना खा रही थी, जैसे उसे सिद्धार्थ के गुस्से में चले जाने से कोई फर्क न पड़ता हो। ये देखते ही सिद्धार्थ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। खाना खत्म करने के बाद नेहा ने वेटर से बिल लाने के लिए कहा तो वेटर ने कहा, मैम सर बिल जाने से पहले भर कर गए थे। ये सुनकर नेहा चौंक गई। क्या सिद्धार्थ ने नहीं कहा था कि यह आज नेहा सिद्धार्थ को लंच कराएगी, तो फिर उसने बिल क्यों भरा? यही सोचते हुए नेहा रेस्टोरेंट से बाहर निकली और टैक्सी करके घर चली गई क्योंकि उसे वापस ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आज टीना अपनी ही सोच में गुम थी। जो वह अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रही थी तब भी वह यही सब सोच रही थी और यह सब सोचते हुए उसने अपने असिस्टेंट को मैसेज किया कि कंपनी में हाल ही में कुछ हुआ था क्या। टीना की असिस्टेंट उसे बहुत अच्छे से जानती थी और वह ये भी जानती थी कि टीना किस बारे में पूछ रही है, इसलिए उसने जल्दी रिप्लाई किया, नहीं कुछ नहीं हुआ था कंपनी में। लेकिन टीना ने देखा था कि आज सिद्धार्थ नेहा को कैसे देख रहा था। उसे मालूम था कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है जिसके बारे में उसे नहीं मालूम, इसलिए उसने फिर से मैसेज करके पूछा, क्या सिद्धार्थ ने हाल फिलहाल में कुछ अजीब किया? उसके असिस्टेंट का तुरंत रिप्लाई आया, नहीं उन्होंने काम के अलावा और कुछ नहीं किया। टीना सोच में पड़ गई तभी उसके असिस्टेंट का मैसेज आया, मैम क्या आपने 2 दिन पहले की न्यूज देखी थी? कौन सी न्यूज? यही कि 2 दिन पहले मेहरा कॉरपोरेशन का सीईओ सतीश मेहरा गिरफ्तार हो गया है। टीना सतीश मेहरा से पहले भी मिल चुकी थी और उसके बारे में जो बातें होती थी उसके बारे में भी वो जानती थी, लेकिन पिछले दिनों अपनी मॉम डैड के साथ बिजी होने के कारण उसने इस न्यूज पर ध्यान नहीं दिया था। तभी उसके असिस्टेंट का दोबारा मैसेज आया, ऑफिस में ऐसी अफवाह फैली है कि सतीश मेहरा की बर्बादी के पीछे सिद्धार्थ सर का हाथ है, मुझे नहीं मालूम कि यह सच है या नहीं। ये मैसेज पढ़ने के बाद टीना किसी गहरी सोच में डूब गई। जब टीना सतीश मेहरा से पहली बार मिली थी तो सतीश मेहरा ने उसे भी गलत तरीके से टच करने की कोशिश की थी और इस बारे में उसने सिद्धार्थ से भी बात की थी, लेकिन उस वक्त सिद्धार्थ को देखकर ऐसा नहीं लगा जैसे वह सतीश मेहरा को कोई सबक सिखाने वाला है या उसे उसके किए की सजा देने वाला है। तो फिर अचानक से क्या हुआ? उसे सिद्धार्थ से इस बारे में बात करनी होगी, वह यहाँ चुपचाप नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उसने अपनी मॉम डैड की तरफ मुड़ कर कहा, मॉम डैड ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया है इसलिए मुझे जाना होगा। क्या तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है? टीना के डैड ने नाखुशी से कहा। तो टीना ने उन्हें समझाते हुए कहा, हाँ डैड बहुत अर्जेंट है। टीना को इतनी हड़बड़ी में देखकर कामिनी समझ गई कि जरूर मामला सिद्धार्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसने कहा, ठीक है ध्यान से जाना और मेरी बात याद रखना। उसकी इस बात का छुपा हुआ मतलब टीना समझ रही थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है मोम में याद रखूंगी और अपना बैग लेकर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ रेस्टोरेंट से वापस अपने ऑफिस आ गया था, लेकिन वह जाते समय जितना खुश और अच्छे मूड में था वापस लौटने के बाद उतना ही गुस्से में और बुरे मूड में था और उसका गुस्सा बाकी एम्प्लॉयर्स पर निकल रहा था। आखिरकार हिम्मत करके विक्रम ने पूछ लिया, सर क्या आप ठीक है? सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा और कहा, हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, क्या मैं तुम्हें बीमार दिखाई देता हूँ? विक्रम को पता था कि सिद्धार्थ नेहा के साथ बाहर गया था। उसने मन ही मन अंदाजा लगा लिया कि जरूर नेहा और सिद्धार्थ के बीच फिर से बहस या फिर झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से सिद्धार्थ इतने गुस्से में है, लेकिन आदत से मजबूर विक्रम अपने आप को ज्यादा देर रोक नहीं पाया और उसने सिद्धार्थ से पूछ लिया, सर क्या मिस सिंह सच में आपकी एक्स वाइफ है? सिद्धार्थ ने एक नज़र विक्रम को देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। सिद्धार्थ का जवाब मिलने के बाद विक्रम खुद को रोक नहीं पाया और उसने कहा, सर आपको नहीं लगता कि उन्हें डिवोर्स देने का आपका फैसला गलत था? मतलब वह कितनी सुंदर है, समझदार है, पढ़ी लिखी है और कितने अच्छे से बिहेव भी करती है, बिल्कुल आपके लेवल से मैच करती है। ये सुनकर सिद्धार्थ कुछ नहीं बोल पाया तो विक्रम ने फिर कहा, हाँ
मैं मानता हूँ कि आप बहुत हैंडसम हैं और बहुत पावरफुल भी, लेकिन मिस सिंह आपके कंपैरिजन में कम बिल्कुल नहीं है। वह आपको बराबर की टक्कर देती है। सर, आपको नहीं लगता कि आपने एक बहुत ही कीमती खजाना अपने हाथ से ऐसे ही जाने दिया? सिद्धार्थ ने गुस्से में विक्रम को घूरा और कहा, तो क्या? विक्रम ने जब सिद्धार्थ के गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखे और उसकी दांतों की कटकटाहट की आवाज़ सुनी तो वह समझ गया कि सिद्धार्थ बहुत गुस्से में है। इसलिए उसने अपनी बात को जल्दी बदलते हुए कहा, मैं बस इतना कह रहा था सर कि मेरे ख्याल से आपके और मिस सिंह की जोड़ी स्वर्ग में बनी थी, बिल्कुल परफेक्ट, मेड फॉर ईच अदर। सिद्धार्थ, जिसका गुस्सा अब किसी भी वक्त फट सकता था, विक्रम की यह बात सुनते ही पता नहीं क्यों लेकिन उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने पूछा, क्या सचमुच तुम्हें ऐसा लगता है? विक्रम ने कहा, हाँ बिल्कुल, और मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर आप दोनों साथ होते तो आप दोनों के बच्चे कैसे दिखते। आप दोनों ही बेस्ट हैं और आपके बच्चे मैं बात भी नहीं कर सकता कि वह कैसे होते। जैसे ही विक्रम ने ये कहा, सिद्धार्थ के दिमाग में उन दो जुड़वा बच्चों का ख्याल आया और उसके दिल में एक चुभन सी हुई। उसने सोचा कि अगर उसका और निया का डिवोर्स नहीं हुआ होता तो वह दोनों बच्चे जिंदा होते हैं, उसके पास होते और अभी काफी बड़े होते हैं। तभी विक्रम ने फिर कहा, सर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि जब भी लड़कियां नाराज होती हैं या फिर नाराज होने का नाटक करती हैं तो बस सिर्फ इतना चाहती हैं कि उनका पार्टनर उन्हें स्पेशल फील कराए। विक्रम की इस बात से सिद्धार्थ अपने होश में वापस आया और उसने विक्रम से पूछा, और उसे कैसे स्पेशल फील करा सकता हूँ? आपको नहीं पता कि ऐसा कैसे करते हैं? विक्रम ने हैरानी से पूछा, लेकिन जब उसने सिद्धार्थ के चेहरा देखा तो उसे एहसास हुआ। उसने कहा, हाँ आपको कैसे पता होगा, सारी लड़कियां तो आपको स्पेशल फील कराती हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं कि वह आप पर गुस्सा कर सके। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा, लेकिन न्यायस कर सकती है। विक्रम जाके सिद्धार्थ की सामने वाली चेयर पर बैठ गया। इस वक्त वो बिल्कुल भूल गया था कि वह अपने बॉस से बात कर रहा है, जिससे वह बहुत डरता है। उसने किसी दोस्त की तरह सिद्धार्थ को सलाह देते हुए कहा, सर बात ऐसी है कि अगर कोई लड़की आपसे गुस्सा हो जाए या फिर आप पर गुस्सा होने की हिम्मत रखती है, इसका मतलब उसे आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है, उसके जैसा कोई बहुत ही ईमानदार है। मेरे ख्याल से मिस सिंह को भी आपके पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह उन बाकी लड़कियों की तरफ एक नहीं है जो आपके आगे पीछे घूमती हैं। ये बात तो सिद्धार्थ भी बहुत अच्छे से जानता था कि निया न सिर्फ उस पर गुस्सा करने की हिम्मत रखती है, बल्कि निया ने खुद ही उसे डिवोर्स के लिए भी कहा था। भले ही वह बात अलग थी कि उसके लिए सिद्धार्थ ने ही उसे मजबूर किया था, लेकिन निया ने डिवोर्स के बाद एलुमनी के तौर पर उससे एक रुपया भी नहीं लिया था, जबकि वह करोड़ों मांग सकती थी। सिद्धार्थ ने पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? विक्रम ने कुछ देर सीरियस होकर सोचा और उसके बाद कहा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस औरत को आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है उसे आपको अपनी सिंसेरिटी दिखानी होगी। सिद्धार्थ, सिंसेरिटी, और वह कैसे? विक्रम ने कहा, इसे दिखाने के बहुत से तरीके हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि उसे खाने में, देखने में, खेलने में क्या पसंद है। आपको उसकी केयर करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों से ही लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। जब सिद्धार्थ ने विक्रम की बातों को गौर से सोचा तो उसे यह एहसास हुआ कि वह निया के बारे में सचमुच बिल्कुल नहीं जानता। सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन देखकर विक्रम ने कहा, अब सर आप यह मत कहिएगा कि मिस सिंह आपकी एक्स वाइफ है फिर भी आप उनकी पसंद नापसंद नहीं जानते। .2 मिनट के लिए तो सिद्धार्थ चुप रहा, लेकिन फिर अपने चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन लाकर अपनी चेयर से झटके से खड़ा हो गया और विक्रम को देखते हुए बोला, तो क्या अगर मैं उसकी पसंद नापसंद नहीं जानता तो तुम्हें उससे क्या मतलब है? सिद्धार्थ को गुस्से में देखकर विक्रम को यह एहसास हुआ कि वह सिद्धार्थ के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो गया था, इसलिए उसने अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहा, नहीं सर मुझे क्या फर्क पड़ता है? सिद्धार्थ ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा काम बहुत कम हो गया है, इसीलिए तुम यहाँ बैठकर मुझे मुफ्त की सलाह दे रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारा काम और बड़ा देना चाहिए। ये सुनते ही विक्रम अपनी जगह से खड़ा हो गया और जल्दी जल्दी बोला, नहीं सर बिल्कुल नहीं, मेरे पास बहुत काम है, इनफैक्ट मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, इसलिए मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। इतना कहकर विक्रम तेजी से सिद्धार्थ के केबिन के बाहर निकलने लगा, लेकिन वह बाहर जाता उससे पहले ही वह दरवाजे पर टीना से टकरा गया, जो सिद्धार्थ के केबिन में ही आ रही थी। टीना उसकी सीनियर थी, इसलिए उसने झुककर उसे ग्रेट किया तो टीना ने पूछा, क्या सिद्धार्थ अंदर है? विक्रम ने पीछे मुड़कर एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और हमें सर हिलाकर वहां से भाग गया। टीना सीधी सिद्धार्थ के केबिन में चली गई। जब सिद्धार्थ ने टीना को वहां देखा तो पूछा, तुम फिर से ऑफिस में कोई काम था? टीना चलकर सिद्धार्थ के सामने वाली चेयर पर बैठ गई और फिर कहा, मुझे बस काम की फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं बस देखने आई थी। सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब संभल जाएगा। इतना कहकर सिद्धार्थ वापस अपना काम करने लगा।
टीना ने सिद्धार्थ से बोलने के लिए कई बार अपना मुंह खोला, लेकिन वह सिद्धार्थ से निया के बारे में डायरेक्टली नहीं पूछ सकती थी, इसलिए उसने कुछ सोचकर कहा, सिद्धार्थ क्या तुमने मेहरा कॉरपोरेशन के सीईओ सतीश मेहरा की गिरफ्तार होने वाली न्यूज़ के बारे में जानते हो? सिद्धार्थ ने एक नज़र टीना को देखा और वापस अपने डॉक्यूमेंट देखते हुए एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा, हाँ मैं जानता हूँ। तुम्हें मालूम है ये सब कैसे हुआ? मतलब ऐसे अचानक से उसके खिलाफ इतने सारे सबूत मिल गए और वह गिरफ्तार हो गया? टीना ने सिद्धार्थ को देखते हुए पूछा तो सिद्धार्थ ने कहा, मुझे क्या पता, हुआ होगा कुछ और, वैसे भी सबको अपने किए की सजा मिलती है। टीना 2 मिनट के लिए चुप हो गई, उसे सिद्धार्थ की बातों से कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, और वैसे भी चाहे जो भी हुआ हो, सतीश मेहरा जैसा घटिया इंसान यही डिजर्व करता है। तभी टीना ने फिर से सिद्धार्थ से पूछा, वह मुझे अभी याद आया, मिस सिंह यहाँ क्यों आई थी? मैंने देखा था उनके हाथ में भी चोट लगी थी, क्या वह ठीक है? सिद्धार्थ ने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा, ओ वह सब उसका पर्सनल मैटर है और उसका हाथ भी ठीक ही होगा। सिद्धार्थ के एक्सप्रेशंस देखकर कोई भी यह नहीं बता सकता था कि सिद्धार्थ को निया की फिक्र है या नहीं। सिद्धार्थ के चेहरे से तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे निया की चोट के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन टीना को याद था कि सिद्धार्थ किस तरह निया को देख रहा था। उसे लगा कि सिद्धार्थ जरूर उसे कोई बात छुपा रहा है। टीना खुद को रोक नहीं पाए और उसने सिद्धार्थ से पूछ लिया, सिद्धार्थ क्या तुम मिस सिंह से दोबारा शादी करने वाले हो? उसे इस सवाल का जवाब किसी भी कीमत पर चाहिए था। दोबारा शादी, ये सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया, उसने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। टीना का सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा, दोबारा शादी, लेकिन हमारी दोबारा शादी कैसे हो सकती है? क्योंकि, लेकिन फिर इस बात को यही छोड़ दिया और फिर निया का व्यवहार याद किया, कैसे निया हर वक्त उससे दूर भागती रहती है और हमेशा उससे कहती है कि वह उससे दूर रहे। ये सब सोचकर सिद्धार्थ ने टीना से कहा, वह मुझसे बहुत नफरत करती है और हमेशा मुझसे दूर भागती रहती है। और तुम उससे नफरत नहीं करते, जबकि उसकी वजह से तुमने अपने दोनों बच्चे खो दिए। टीना की यह बात सुनते ही सिद्धार्थ चौंक गया, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसने टीना को निया अपने बच्चे और अबॉर्शन के बारे में कुछ नहीं बताया था। आज के लिए बस इतना ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 40, सिद्धार्थ के जज्बात। अब तक आपने सुना कि निया की बातों से गुस्सा होकर सिद्धार्थ अपने ऑफिस वापस आ जाता है, जहां विक्रम उसे तरह तरह की सलाह देता है लड़कियों को इम्प्रेस करने के मामले में। उसके थोड़ी ही देर बाद टीना वहां आ जाती है और बातों ही बातों में वह सिद्धार्थ से पूछ लेती है कि क्या सिद्धार्थ निया से नफरत नहीं करता, जबकि निया ने अबॉर्शन करवा लिया था जिससे उसके दोनों बच्चे मर गए। और यह बात सुनकर सिद्धार्थ चौंक जाता है, क्योंकि उसने टीना को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब आगे, टीना की बात सुनकर सिद्धार्थ चौंक जाता है और वह हैरानी से टीना से पूछता है, तुम्हें कैसे मालूम कि हमारा डिवोर्स हुआ था और निया प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्शन करवाया था और वह भी जुड़वा बच्चों का? ये बात तो मैंने तुम्हें नहीं बताई। सिद्धार्थ का सवाल सुनकर टीना को एहसास होता है कि उसने अपने गुस्से और जलन में सिद्धार्थ को वह बात बता दी जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। वह सिद्धार्थ को यह नहीं बता सकती थी कि उसकी और निया के रिश्ते के बारे में जानने के बाद टीना ने दूसरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, जिससे उसे निया की प्रेगनेंसी के बारे में मालूम चला था और उसे ये भी पता चला था कि निया ने सिद्धार्थ को बताया है कि उसने अबॉर्शन करा लिया था। तभी टीना को एक आईडिया आया और उसने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, मुझे उस दिन पता चला जब तुम बार में ड्रिंक कर रहे थे और तुमने ही नशे में कहा था, निया मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरे बच्चों के साथ ठीक नहीं किया, उन्हें मार दिया। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन जब मुझे तुम्हारे और निया के शादी और डिवोर्स के बारे में पता चला तो मुझे सब समझ में आ गया। टीना को पहले से पता था कि सिद्धार्थ बहुत कम ही ड्रिंक करता है और उसकी ड्रिंक टॉलरेंस का लेवल बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए वह भी सुबह सारी बातें भूल भी जाता है, इसी बात को अपनी फायदा उठाया। सिद्धार्थ को भी लगा कि शायद टीना सच कह रही है, उसने ही नशे में टीना को कुछ कुछ बता दिया होगा और टीना ने अंदाजा लगा लिया होगा। तभी टीना ने फिर पूछा, सिद्धार्थ क्या तुमने निया को माफ कर दिया? ये सवाल सुनकर सिद्धार्थ फिर से किसी सोच में गुम हो गया और वही सिद्धार्थ की चुप्पी टीना को बेचैन कर रही थी। इसका मतलब तुम अब निया से नफरत नहीं करते? टीना ने सिद्धार्थ से भले ही सवाल किया था, मगर उसकी बात ऐसी थी जैसे वो सिद्धार्थ को बता रही हो। सिद्धार्थ ने टीना को देखा और कहा, जो कुछ भी हुआ उसमें अकेले गलती निया की नहीं थी, तो इसका मतलब तुमने उसे माफ कर दिया? टीना ने एक बार फिर पूछा तो सिद्धार्थ ने कहा, बात यहाँ मेरी माफी की है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं उससे नफरत करता हूँ तो वह मुझसे और ज्यादा नफरत करेगी, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा बुरा उसी के साथ हुआ है।
सिद्धार्थ निया का बचाव कर रहा था और ये देखकर टीना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, फिर भी उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, तुम उसे बुरा नहीं मानते, क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुमने उसे पूरी तरह माफ कर दिया? तो सिद्धार्थ ने कहा, तुम ये सब नहीं समझ पाओगी कि हमारे बीच जो रिश्ता था उसे मैं तुम्हें शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। टीना लगातार सिद्धार्थ को देखे जा रही थी, तभी उसने अचानक से सिद्धार्थ से सवाल किया, सिद्धार्थ क्या तुम निया से प्यार करने लगे हो? टीना का सवाल सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया, उसने हैरानी से टीना को देखा और फिर कुछ सोचकर उसके बाद उसने कहा, मुझे नहीं मालूम। टीना, तुम्हें नहीं मालूम, इसका क्या मतलब होता है, या तो तुम उससे प्यार करते हो या फिर नहीं करते। सिद्धार्थ अभी कुछ कहता उससे पहले ही उसके फोन पर फोन आने लगा, उसने देखा तो स्क्रीन पर दादाजी नाम फ्लैश हो रहा था। अपने दादाजी का फोन देखकर पहली बार सिद्धार्थ को खुशी हो रही थी, क्योंकि अब वह टीना के सवालों से बच सकता था जिनका जवाब उसे मालूम नहीं था। उसने जल्दी से टीना से कहा, टीना मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। टीना भी समझ गई कि सिद्धार्थ उसे टालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई। टीना के जाने के बाद सिद्धार्थ ने एक राहत की सांस ली और कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से विक्रांत जी की गुस्से भरी आवाज आई, नालायक कहीं के, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि निया को चोट लगी है? विक्रांत जी की तेज आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने अपना फोन कान से दूर किया और उसके बाद वापस अपने कान पर लगाकर धीरे से कहा, दादाजी उसे कोई गहरी चोट नहीं लगी थी, उसे सिर्फ चाकू से थोड़ा सा कट लगा था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसे सिर्फ थोड़ी सी चोट लगी थी, तुम्हारे पास दिल नाम की चीज है भी या नहीं, जो तुम्हें दूसरों का दर्द देखकर दर्द नहीं होता? विक्रांत जी ने सिद्धार्थ पर बरसते हुए कहा। सिद्धार्थ जानता था कि वह कुछ भी कहे डांट तो उसे पड़ेगी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर तक सिद्धार्थ को डांट लेने के बाद विक्रांत जी शांत हो गए और उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, निया को चोट कैसे लगी, हुआ क्या था? सिद्धार्थ जानता था कि वह अपने दादाजी से कुछ नहीं छुपा सकता, क्योंकि वह भी विक्रांत ओबेरॉय थे और अगर उसने कुछ छुपाने की कोशिश की तो उल्टा उसी पर भारी पड़ सकता था, क्योंकि यह मामला निया से जुड़ा हुआ था। इसलिए उसने विक्रांत जी को सारी बातें साफ साफ बता दी। सब कुछ सुनने के बाद वह फिर से गुस्सा हो गए और गुस्से में कहा, उस कमीने इंसान की हिम्मत कैसे हुई निया को हाथ लगाने की, क्या उसे जीने की इच्छा खत्म हो गई है? इस वक्त कहाँ है वह? सिद्धार्थ ने कहा, दादाजी आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, वरना आपका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। मेरा ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बड़ा हुआ है और मैं जब तक उस इंसान को सजा नहीं दिलवा देता मुझे शांति नहीं मिलेगी, विक्रांत जी ने कहा। आप लेट हो गए दादाजी, वह ऑलरेडी जेल में है। विक्रांत जी, अच्छा इतनी जल्दी गिरफ्तार कैसे हो गया? तो सिद्धार्थ ने कहा, विक्रम के पास उसके खिलाफ कई सारे सबूत थे, जब उसने निया के साथ ऐसी हरकत की तो विक्रम ने सारे सबूत ले जाकर पुलिस को दे दिए। बस सिद्धार्थ की बात सुनकर विक्रांत जी चौंक गए, उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर विक्रम ने ये सब किया है इसका मतलब सिद्धार्थ ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि विक्रम अपनी मर्जी से इतना सब कुछ नहीं कर सकता था। इतना सोचने के बाद विक्रांत जी हंसे और उन्होंने हंसते हुए सिद्धार्थ से कहा, चलो कम से कम मेरे नालायक पोते ने कुछ तो अच्छा किया। सिद्धार्थ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे झूठ बोलना बंद करो, निया का विक्रम से क्या लेना देना? और तुम वैसे भी झूठ बोलने में बहुत बुरे हो, ऐसे में तुम लड़कियों में ज्यादा पॉपुलर नहीं हो, विक्रांत जी ने कहा। सिद्धार्थ, दादाजी आपको गलत लगता है, मैं लड़कियों में बहुत पॉपुलर हूँ। तो विक्रांत जी ने कहा, अच्छा तो तुम निया को इम्प्रेस करके दिखाओ जिससे वह तुम्हें पसंद करें। सिद्धार्थ ने कहा, दादाजी ये ज्यादा हो रहा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं वह मुझे कभी पसंद नहीं करेगी। सिद्धार्थ की बात सुनकर विक्रांत जी हंसने लगे और उन्होंने कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जब तुमने इतना अच्छा काम कर ही दिया है और उस घटिया इंसान को जेल में पहुंचा दिया है तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं बस निया से मिलने जाऊंगा। सिद्धार्थ, आपकी हेल्थ कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है, आपको घर पर आराम करना चाहिए। विक्रांत जी ने सिद्धार्थ की बात ना मानते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं जब तक निया से खुद नहीं मिल लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ, वह ठीक है दादाजी, वह तो ऑलरेडी अपने ऑफिस भी जा रही है। सिद्धार्थ की बात सुनकर विक्रांत जी ने कुछ सोचा और उसके बाद कहा, ठीक है फिर तो वह जहां काम करती है उसका एड्रेस मुझे भेजो, मैं उससे वहीं मिलूंगा। क्या आप श्योर हैं? अगर आप गए तो? फिर उसने कुछ सोचकर अपनी बात बीच में ही छोड़ दी और कहा, ठीक है फिर मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। विक्रांत जी ने पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ आ रहे हो? सिद्धार्थ, मुझे नहीं लगता कि वह मुझे देखकर खुश होगी। विक्रांत जी, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया तो वह मुझे भी इग्नोर करने लगेगी।
विक्रांत जी की बात सुनकर सिद्धार्थ स्पीचलेस हो गया। विक्रांत जी ने कहा, ठीक है फिर तो मैं फोन रखता हूँ। लेकिन सिद्धार्थ फोन रख पाता उससे पहले ही विक्रांत जी ने अचानक पूछा, क्या निया को जो तुमने किया उसके बारे में पता है? सतीश मेहरा के बारे में? हाँ सिद्धार्थ, हाँ बिल्कुल उसे मालूम है। विक्रांत जी, तो उसका रिएक्शन कैसा था? क्या वह खुश थी या फिर तुमसे इम्प्रेस हुई? विक्रांत जी के सवाल पर जब सिद्धार्थ ने सोचा तो निया का रिएक्शन याद आया और यह सोचते ही उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई और उसने कहा, खुश? उल्टा ये सब जानने के बाद उसने मुझसे कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं और वह अपने मामले खुद सॉल्व कर लेगी। 2 मिनट तक चुप रहने के बाद विक्रांत जी ने कहा, निया की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वह हमेशा से ही इंडिपेंडेंट रही है और मुझे उसकी यही बात अच्छी लगती है। अब सिद्धार्थ के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने मन ही मन सोचा, ये किसके दादाजी हैं, मेरे या फिर उसके? अगर मैंने यही काम किया होता तो मैं एहसान फरामोश होता, लेकिन निया ने किया है तो इंडिपेंडेंट हो गई। उसके बाद विक्रांत जी ने फोन कट कर दिया। फोन कटने के बाद सिद्धार्थ फिर से टीना की बातों के बारे में सोचने लगा। उसने मन ही मन खुद से सवाल किया कि जब टीना ने उससे पूछा कि क्या वह निया से प्यार करता है तो वह मना क्यों नहीं कर पाया? क्यों किसी और के साथ निया को देखकर उसे जलन होती है? क्यों गुस्सा आता है उसे? क्यों उस दिन निया को उस हालत में देखकर उसे तकलीफ हो रही थी? क्यों उसे सतीश मेहरा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे जेल करवाए और जेल करवाने के बाद भी उसे जेल में 3rd degree टॉर्चर करवा रहा है? ये कौन से एहसास से जो वो नहीं समझ पा रहा? क्यों निया की एक स्माइल उसे खुश कर देती है? क्यों निया का उस पर ध्यान ना देना उसे गुस्सा दिलाता है? ये सब सोचकर सिद्धार्थ का सर दर्द से फटने लगा। इन सब बातों पर से ध्यान हटाने के लिए सिद्धार्थ अपना काम करने लगा। अगली सुबह विक्रांत जी ढेर सारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के साथ AAA कंपनी पहुंच गए निया से मिलने। भले ही बिजनेस इंडस्ट्री में लो प्रोफाइल होने की वजह से सिद्धार्थ को कई लोग ना जानते हो, लेकिन सब लोग विक्रांत जी को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि विक्रांत जी ने ही अकेले ओबेरॉय कॉर्पोरेशन की नींव रखी थी और उसे एक बड़े मुकाम तक पहुंचाया था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े तकरीबन सभी लोग विक्रांत जी को जानते थे। विनोद भी आज ऑफिस आया था। इससे पहले कि वह निया को ढूंढ कर उसे थैंक्स कह पाता, उसने सुना कि विक्रांत जी आए हैं। ये सुनकर वह चौंक गया, लेकिन वह जल्दी से नीचे विक्रांत जी का वेलकम करने के लिए पहुंचा। आइए आइए सर, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको कोई काम था तो आप हमें सिर्फ एक मैसेज भिजवा देते तो हम लोग खुद आ जाते हैं आपसे मिलने, विनोद ने संभाल कर कहा। ये बात सब जानते थे कि विक्रांत जी रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने कंपनी की भागदौड़ सिद्धार्थ को सौंप दी है, लेकिन फिर भी बिजनेस इंडस्ट्री में उनकी एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। विक्रांत जी ने विनोद को देखा और फिर कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ अपने किसी पर्सनल काम से आया हूँ। ठीक है सर, क्या आपको किसी चीज की मदद चाहिए? नहीं, तुम जाओ और अपना काम करो, विक्रांत जी ने कहा। वह किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, लेकिन विनोद फिर भी विक्रांत जी को अकेले छोड़कर नहीं गया और उनके साथ साथ ही चलता रहा। विक्रांत जी सीधे 3rd floor पर टेक्निकल डिपार्टमेंट में आए। इस समय निया अपने केबिन में नहीं थी, बल्कि वह केबिन के बाहर प्रिया और रोहित के साथ किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही थी। तभी उसने सुना कि निया बेटा। निया ने जब मुड़कर देखा तो विक्रांत जी उसके पास खड़े थे। विक्रांत जी ने निया से कहा, निया तुम्हारी अब चोट कैसी है? दादाजी आप यहाँ? निया अभी भी हैरान थी। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और उस नालायक ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। अगर कैलाश से मेरी बात नहीं होती तो मुझे पता चलता भी नहीं। तुम्हारी चोट कहाँ है, दिखाओ मुझे, विक्रांत जी ने निया से पूछा। तो निया ने कहा, दादाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे हाथ पर छोटा सा कट लगा था। विक्रांत जी को निया की चोट देखकर बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? ये छोटा सा कट है, तुमने देखा कितनी मोटी बैंडेज की हुई है, तुम्हें बहुत अच्छे से आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर विक्रांत जी ने एक राहत की सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट लाया हूँ, तुम्हें उन्हें खाना होगा और अपना ध्यान अच्छे से रखना होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने पीछे की तरफ इशारा किया, जहाँ कई लोग ढेर सारा सामान लेकर आ रहे थे। सारी चीजों को देखकर ही कोई भी बता सकता था कि वह कितनी महंगी है। उन सभी को देखकर टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग आपस में बात करने लगे, ये निया आखिर है कौन जिसके लिए विक्रांत ओबेरॉय जैसे बड़े इंसान खुद मिलने आए हैं और इतने प्यार से उससे बेटा कहकर बात कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सिद्धार्थ ओबेरॉय की बहन हो? निया जानती थी कि इस सब के बाद उसके बारे में फिर से एक बार फिर अफवाहें फैलेगी,
उसने विक्रांत जी से कहा, दादाजी मैं इतना सब नहीं खा सकती और ना ही इतना सब अपने साथ घर ले जा सकती हूँ। ये सुनकर विक्रांत भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, क्या तुम अपनी गाड़ी से यहाँ आई हो? मैं ये सारा सामान तुम्हारी गाड़ी में रखवा देता हूँ, तब तुम इन्हें आसानी से घर ले जा पाओगी। निया ने कहा, लेकिन मैंने अभी तक कार नहीं खरीदी। विक्रांत जी ने हैरानी से पूछा, तो तुम ऑफिस कैसे आती हो? निया, टैक्सी से। निया की यह बात विक्रांत जी को अच्छी नहीं लगी। वह इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने निया से कुछ नहीं कहा और अपना फोन निकाला और किसी को कॉल कर दिया। जब कॉल रिसीव हुआ तो विक्रांत जी ने कहा, सिद्धार्थ विक्रम से कहकर निया के लिए एक नई कार मंगवा दो। निया के साथ साथ टेक्निकल डिपार्टमेंट का हर इंसान चौंकया। इससे पहले कि निया कुछ कह पाती, विक्रांत जी ने उससे पूछा, निया क्या तुम्हें कोई भी कार पसंद है जो तुम्हें चाहिए? निया ने कहा, दादाजी नहीं, मेरी बात सुनिए। इसके पहले निया और कुछ कहती, उससे पहले ही विक्रांत जी ने सिद्धार्थ से फोन पर कहा, निया को कोई कार पसंद नहीं है, इसलिए तुम अपनी पसंद से एक कार खरीद लो, क्योंकि हमारे घर पर जो कार है वह ऑलरेडी यूज्ड की हुई है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी निया को दी जाए, इसलिए तुम एक नई कार खरीद लो और ध्यान रखना कि वह हर तरह से सेफ हो। बदले में सिद्धार्थ ने सिर्फ हाँ कहा और उसके बाद फोन कट कर दिया। फोन काटने के बाद विक्रांत जी ने निया को देखा और कहा, गाड़ी किसी भी वक्त यहाँ आती होगी तो मैं ये सारा सामान कार में रखवा दूंगा। निया ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि विक्रांत जी किसी की नहीं सुनते, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और सिद्धार्थ को मैसेज किया, मुझे कार नहीं चाहिए, दादाजी इस वक्त मेरे साथ ही है, मैं उन्हें समझा दूंगी, बस तुम गाड़ी मत खरीदना। लेकिन दूसरी तरफ से उसका कोई रिप्लाई नहीं आ। या उसके बाद निया ने विक्रांत जी से कहा, दादाजी नीचे एक कैफे है, हम वहां चलकर बात कर सकते हैं। विक्रांत जी, ठीक है फिर चलो। इतना कहकर निया विक्रांत जी के साथ वहां से जाने लगी, लेकिन विक्रांत जी पीछे मुड़े और टेक्निकल डिपार्टमेंट के सभी लोगों को देखते हुए कहा, आप सबको डिस्टर्ब किया, उसके लिए सॉरी, आप सब अपना काम कर सकते हैं, मैं जा रहा हूं। उनके इतने अच्छे व्यवहार से सब लोग खुश हो गए। नीचे कैफे में निया और विक्रांत जी आमने सामने बैठे थे। निया ने विक्रांत जी से पूछा, दादाजी आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करती हूँ? विक्रांत जी ने कॉफी पीते हुए कहा, सिद्धार्थ ने बताया। निया ने मन ही मन सिद्धार्थ को 100 गलियाँ दी। ये सिद्धार्थ करना क्या चाहता है? वह मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करता है। फिर उसने विक्रांत जी से कहा, दादाजी क्या आप सिद्धार्थ को फोन करके कह सकते हैं कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? तुम्हें पता है आजकल टैक्सी ड्राइवर के बारे में कैसे कैसे अफवाह फैली हुई है, और वह लोग आजकल एक्सीडेंट भी कितने करते हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम खुद ड्राइव करके घर जाओ, विक्रांत जी ने कहा। तो निया ने कहा, अगर मैं एक टैक्सी लेती हूँ तो घर से यहाँ तक का रास्ता काफी लंबा होता है, जिस बीच में आराम से सो सकती हूँ, इसलिए मैं कार नहीं लेना चाहती। विक्रांत जी ने कहा, ओ तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं सिद्धार्थ से कह दूंगा, वह तुम्हारी गाड़ी के साथ साथ एक अच्छा ड्राइवर भी भेज देगा। इतना कहकर उन्होंने अपना फोन निकाल लिया, लेकिन वह कॉल कर पाते उससे पहले ही निया ने बीच में रोकते हुए कहा, दादाजी मेरा मतलब वह नहीं था, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा क्यों है? विक्रांत जी ने पूछा। तो निया ने कहा, मैंने ऑलरेडी सिद्धार्थ को डिवोर्स दे दिया है, इसलिए मैं ये सब चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पहली बार निया की बात सुनकर विक्रांत जी को गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने निया को समझाते हुए कहा, मैं ये सब चीजें तुम्हें दे रहा हूँ, ना कि सिद्धार्थ, मैंने उसके पैसे इस्तेमाल नहीं किए, ठीक है तुम उससे कुछ नहीं लेना तो, लेकिन तुम मेरे गिफ्ट क्यों रिजेक्ट कर रही? निया ने कहा, लेकिन दादाजी मैं फिर भी यह नहीं ले सकती। निया की बात विक्रांत जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, तुम्हारा सिद्धार्थ से डिवोर्स हो गया, इसका मतलब तुम्हारा मुझसे भी कोई रिश्ता नहीं है। निया ने जल्दी से ना मैं सर हिलाते हुए कहा, नहीं दादाजी, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था, आप मेरे लिए दादू की तरह ही है। विक्रांत जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि तुम मुझे अपनी दादाजी की तरह मानती हो और मैं तुम्हें अपनी पोती की तरह, हम ऐसा सोचते हैं जैसे सिद्धार्थ है ही नहीं। निया ने फिर कहा, दादाजी आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपको सच में अपने दादू की तरह ही मानती हूँ, मगर यह सब करने से सिद्धार्थ की मंगेतर को गलतफहमी हो सकती है। सिद्धार्थ की मंगेतर कौन? विक्रांत जी ने पूछा। टीना, जो हमेशा उसके साथ रहती है, निया ने कहा। निया की बात सुनकर विक्रांत जी हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए कहा, वह लड़की, तुमसे किसने कह दिया कि वह सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड है? दोस्तों, आप लोगों के कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं कि मैं सिद्धार्थ को बच्चों के बारे में बता दो, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि सस्पेंस ना होने पर मजा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, कुछ एपिसोड के बाद ही सिद्धार्थ को उसके बच्चों से मिलवा दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, आगे क्या होगा जान के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।